Do you know that what is English grammar? What's the origin of English grammar? Kya English pehli hai ya grammar? Can we learn a language without grammar? Hello everyone, in this video we will be looking at different questions related to grammar. If you are new here, so I welcome you to my channel. So before wasting any time, let's get into that. क्या आप भी ऐसा फील कर रहे हो ग्रामर की सुनते ही? But in this video, I will try to conclude the things in few words. So here we got the list of the questions that we are going to deal in this video. The first question that would be in the origin of grammar. So let's jump in. Origin of grammar. ग्रामर की origin कब हुआ? ये जो term है कहाँ से आ गया? The word grammar is taken from the Greek language. ये जो है grammar का लव्स है ये Greek language से लिया गया है. Grammatic or techni, I literally don't know how to pronounce this word exactly, but it means art of letters. Grammar का मतलब है ये जो Greek से आया हुआ है इसका मतलब है art of letters, right? In other words, to write or to draw. It means that ये कि ऐसा आर्ट है कि कैसे हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं उसको मीनिंगफुल बनाते हैं वर्ड्स में या कैसे हम वर्ड्स कंबाइन करते हैं फ्रेजेस में और मीनिंगफुल बन जाते हैं या कैसे फ्रेजेस आ जाते हैं और उससे सेंटेंसेस और क्लाजेस वगैरह बन जाते हैं. सो ये एक फन है, एक आर्ट है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर है क्या? सो लेट्स जंप इनटू द डेफिनेशन फर्स्ट. ग्रामर इज स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस. ग्रामर जो है ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन की स्टडी है किसी एक लैंग्वेज की या बहुत सारे लैंग्वेजेस की. राइट नाउ वी आर जस्ट डीलिंग विद द इंग्लिश ग्रामर. अभी हम सिर्फ किसी एक लैंग्वेज की सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को देखेंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर है, लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन डील विद सो मेनी लैंग्वेजेस. और नेक्स्ट डेफिनेशन इज ग्रामर इज द स्टडी ऑफ अ वर्ड एंड द वे इट वर्क्स इन अ फ्रेज और इन अ सेंटेंस. ग्रामर में हम स्टडी करते हैं किसी एक वर्ड की किस तरह उससे फ्रेज बन जाता है और इन अ सेंटेंस किस तरह फिर ये फ्रेजेस जो है सेंटेंसेस में कन्वर्ट होके मीनिंगफुल बन जाते हैं. ऑलरेडी हमने ऊपर देखा कि ये आर्ट ऑफ लेटर्स है. और नेक्स्ट डेफिनेशन इज ग्रामर इज अ स्टडी ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स अ लैंग्वेज. ग्रामर हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू एक लैंग्वेज जो है वो चलती रहती हैं, जिसके थ्रू हम एक लैंग्वेज को स्पीक कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं. सो कोई भी लैंग्वेज हो वो बेस करती है ग्रामर पे. और लास्ट डेफिनेशन इज ग्रामर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. द फर्स्ट वन इज ग्राम. फर्स्ट हमारे पास ग्राम है विच इज यूज फॉर मेजरमेंट, जो कि नॉर्मली हमारे पास मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं. एंड द सेकेंड वर्ड इज अर विच मीन्स डूअर, द पर्सन हु डज समथिंग. तो अब ग्राम और डूअर का हमारे पास ग्रामर में क्या ताल्लुक है सो उसको देखते हैं. सो हियर वी एक्चुअली मेजर अ लैंग्वेज वेदर वी स्पीक और राइट एट करेक्टली और नॉट. सो ये बंदा ये जो डूअर है ये क्या करते हैं, मेजरमेंट करने लग जाते हैं किसी भी लैंग्वेज के कि क्या हम ये लैंग्वेज सही बोलते हैं या सही लिखते हैं या नहीं. एंड इट इज एन आर्ट बाय विच वी कैन स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली. सो इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा आर्ट है हमारे पास जिसके बेस पे हम किसी लैंग्वेज को सही बोल सकते हैं या सही लिख सकते हैं. सो अगर टू वर्ड्स में कंक्लूड करें तो ये होगा रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ लैंग्वेज. ग्रामर जो है सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लैंग्वेज. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू कॉल अ पर्सन हु स्टडीज ग्रामर. उस बंदे को हम क्या कहलाएंगे जो ग्रामर को स्टडी करते हैं? अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ लैंग्वेज इज नोन एज ग्रामेरियन. वो बंदा जो ग्रामर को स्टडी करता है उसको हम ग्रामेरियन कहते हैं. या आसान लफ्जों में ऐसे होगा अ पर्सन हु स्टडीज ग्रामर इज नोन एज ग्रामेरियन, व्हाइल अ पर्सन हु डिक्टेट्स how people should write or speak is called prescriptivist or prescriptive grammarian. लेकिन वो बंदा जो हमें ये बताता होता है कि किस तरह एक लैंग्वेज को स्टडी करनी चाहिए, किस तरह हमें लिखना चाहिए, किस तरह हमें बोलना चाहिए, तो उसको हम या prescriptivist और prescriptive grammarian कहेंगे. Prescriptive grammar ये एक type of grammar है जो हम आगे देख के स्टडी करेंगे. Whereas a person who studies descriptive grammar. लेकिन अगर कोई बंदा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को स्टडी करता है उसको हम डिस्क्रिप्टिविस्ट कहेंगे या डिस्क्रिप्टिव ग्रामेरियन कहेंगे. अब प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या है, कौन से टाइप्स ऑफ ग्रामर है, ये हम आगे स्टडी करेंगे. नाउ हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर?
The first English grammar pamphlet for the grammar by William Blocker, written with seeming goal of demonstrating that English was quite a rule-bound as Latin, was published in 1586. So William Blocker just published a pamphlet of grammar, okay, that was completely based on Latin rules. Lekin wo ek pamphlet tha, ek book form mein nahi tha. Lekin book form mein jo hai wo Lindy Murray ne kiya tha, is the best known as father of English grammar, jisko hum father of English grammar bhi mante hain. Lindy Murray is the person who published the English grammar book for the first time. And here is the snapshot of that particular book, which was published by Lindy Murray. Now, the major types of English grammar. First one is prescriptive grammar, and the second one is descriptive grammar. Prescriptive grammar. Prescriptive grammar is also known as old grammar or traditional grammar. Prescriptive grammar ko old grammar bhi kaha jata hai ya traditional grammar bhi kaha jata hai. Aur uska reason ye hai ki old grammar ke jitni bhi sare complete jitni bhi rules and regulation the wo Latin language pe base karte the. Jo Latin language ki rules and regulation the unke grammar ke jo rules and regulation the wahi utha ke English pe apply kiye gaye the. Kyunki us time English ka apna koi grammar nahi tha. So jo Latin walon ki zuban ki grammar tha wahi utha ke English pe apply kiya gaya. Hence it is called old grammar or traditional grammar or prescriptive grammar. But in 19th century, some modern grammarian, they came into the field and they completely rejected the old grammar. 19th century mein kuch modern grammarian field mein aa gaye aur unhone old grammar ya traditional grammar ko completely reject kar diya. According to modern grammarian, English grammar should not be based on that of Latin grammar, but it should be presented the way native speakers speaks in real life. English grammar ko Latin grammar ke base pe nahi hona chahiye, balki jaise native speaker English ko speak karte hain, usi tarike se English ko introduce karna chahiye, ya English ki grammar ko introduce karna chahiye. So the word prescriptive mean nuksadar, jisme hame some ready-made Latin-based rule diye gaye hote hain, aur humne usi ko hi English pe apply karne hote hain, ya usi ko hi humne follow up karne hote hain. And the word descriptive mean wazahati, jisme hame kuch specific rules nahi diye jate, but jaise native speaker of English speak karte hain, usi ko hi hum apna dete hain. Ya usi tarah ki sahi hum speak karne ki koshish karte hain. Now for the rest of the detail, you can go through this paragraph and you can see on your own. Now let's have some examples of prescriptive grammar. So according to prescriptivist or the prescriptive grammarian, some of the sentences are wrong and some of them are right. So the first sentence is, me and you were playing cricket. A prescriptivist grammarian ke mutabik ye sentence galat hai. Kyunki old grammarian ke mutabik sentence kabhi bhi objective case se shuru nahi ho sakta. Kyunki me jo hai yahan pe objective case hai. So iska correct form hoga, you and I were playing cricket. Ye old grammarian ke mutabik ye theek rahega. Our next sentence is, what are you waiting for? So this is again a wrong sentence. Old grammarian ke mutabik a sentence cannot be end with a preposition. Sentence jo hai wo kabhi bhi preposition pe khatam nahi ho sakta. Balki iska correct version hoga, for what are you waiting? Our next sentence is, I saw me in the mirror. So again, it is incorrect. Why? Objective case ke bajaye mujhe reflexive case likhna hoga aur tabhi ye jaake correct banega. Ab kyun banega ye correct isi wajah se? So ye Latin rules hai, Latin rules pe based karta hai aur unke mutabik ye jo hai galat hai aur ye correct hai. Let's see our last sentence. Who did you arrest? Again, this would be something wrong. Our correct version hoga wo hoga, whom did you arrest? So bahut zyada jagah pe Latin rules based hame present kiye jate hain ya prescriptivist hame uske rules batate rehte hain lekin uske behind koi logic nahi hota. Okay, jaise ki humne is example mein dekha, I saw me in the mirror or I saw myself in the mirror. I think both are the same, but still, according to prescriptivists, this one would be something which is wrong and this is something which is right. Okay, and same is the case with the rest of the sentences. So here you can see some more supporting ideas related to descriptive grammar. ये जो all sentences है, ये modern grammarian के मुताबिक ये सारे correct हैं। चाहे आप me and I were playing cricket बोलें, या चाहे आप you and I were playing cricket बोलें, जैसे भी बोलें, ये दोनों correct version है। क्योंकि native speaker ये daily basis पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो old grammarian हैं, उनके मुताबिक कुछ ठीक हैं और कुछ गलत हैं। Now there are subtypes of English grammar. Now the question is it language which came first or the grammar? So remember, it is a very controversial type of question. We do not have any ultimate answer for this. According to some linguists, such as Noam Chomsky, it is the grammar which came first. Aur isi ko explain karte hue wo kehte hain ki jaisa bachcha paida hota hai, the structure of the grammar uske mind mein usi time se hi maujood hota hai. Lekin wo us time bol nahi pata, lekin time ke saath saath wo bolne lag jata hai. Aur iska example wo daanton ki masoodon ke saath dete hain.
कि बच्चे के मुंह में पहले से ही दांत होते हैं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक्सपोज होने लग जाते हैं. On the other hand, we have B.F. Skinners and other linguists, and they say it is the language which came first. और इसी को एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं कि बच्चे का दिमाग एक ब्लैंक शीट की तरह होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो जो भी पिक करता है, वो जो भी लर्न करता है, वो अपनी सराउंडिंग से करता है. जैसे कि खाने पीने की आदतें या कपड़े पहनने की आदतें वो अपनी सराउंडिंग से या अपने माँ बाप से सीखता है, इसी तरीके से वो अपनी लैंग्वेज जो है वो भी अपने माँ बाप से ही सीख लेता है या अपनी सराउंडिंग से ही सीखता है. नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज कैन वी लर्न अ लैंग्वेज विदाउट ग्रामर. सो कीप इन माइंड ग्रामर डज नॉट ऑलवेज मीन टू बी इन द बुक फॉर्म. ग्रामर का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बुक फॉर्म में होता है. बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न अ लैंग्वेज सो यू डू नॉट नीड एनी इंग्लिश ग्रामर बुक. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको किसी ग्रामर बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम अपने फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं, अपनी मादरी जबान को सीखते हैं, इसी तरीके से हम इंग्लिश को भी सीख सकते हैं, क्योंकि हम अपनी मादरी जबान के लिए कोई ग्रामर की बुक नहीं पढ़ते या नहीं सीखते, बल्कि हम अपनी सराउंडिंग से लैंग्वेज सीख लेते हैं या लैंग्वेज को पिकअप करते हैं और बाद में बोलने लग जाते हैं. सो सेम कैन बी डन विद द इंग्लिश लैंग्वेज. सो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न अ लैंग्वेज यू डू नॉट नीड एनी इंग्लिश ग्रामर बुक, बट रादर यू शुड कीप ऑन लिसनिंग टू दोज हु कैन स्पीक इंग्लिश. And through that, you can improve your English language. That's it with this video. If you like this video, give it a big thumb. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की वीडियो की मज़ीद नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.